हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जयपुर जंक्शन। और मैं हूँ जस्सी। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी और फटाफट से वीडियो स्टार्ट करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने एक ब्यूटीफुल सा DIY किया है जो कि आपका देखना बिल्कुल बनता है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वाटर फाउंटेन बनाने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ये टब। ये मेरे घर पर यूं ही रखा हुआ था तो मैं इसे यूज कर रही हूँ। आप अपनी मम्मी से पूछ लीजिएगा पहले, उसके बाद इसे यूज करना, वरना बाद में अच्छे से डांट पड़ सकती है। तो मैंने तो पूछ लिया था। तो मैं इस तरीके से इसे आगे से कट करूंगी। तो मैंने पहले से स्केच कर दिया। अब मैं कैंडल की हेल्प से इसे कट कर लूंगी। ये इस तरीके से कट हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये दो ईंटें यूज की है, मेरे घर पर तो पड़ी थी, आपके घर पर भी होगी जरूर से। मैंने ये तीन ईंटें यूज किए। इस तरीके से आप इन ईंटों को रख लीजिएगा। उसके बाद ये मैंने एक ये मेरे पास डिब्बा रखा हुआ था, मैंने इसे कट कर लिया क्योंकि मैं इसके ऊपर मैंने छोटा वाला टब रखूंगी, तो ये वाला टब रखूंगी। तो इसको पहले मैं पेपर टेप से स्टिक करूंगी, लेकिन इसको खड़ा रखने के लिए, मतलब ये हिले नहीं, इसलिए मैंने इसके अंदर पहले पत्थर रख दिए जिससे ये बार बार हिलेगा नहीं। और मैं इसे पेपर टेप की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। पेपर टेप इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इस पर पानी लगे तो ये बार बार हटे नहीं और एक जगह पर स्टिक हो जाए। पेपर टेप आपको मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी इजी वे में, आप इसे ही यूज करना। आपको तीन ईंटें यूज करनी है इस तरीके से, जैसे मैंने रखी है वैसे ही रखना। अब मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, यहाँ से मुझे कट करना है। इस तरीके के डिब्बे आपके घर में जरूर से होंगे, ये स्वीट्स वाले डिब्बे हैं, मेरे पास बहुत सारे रखे थे तो उनमें से मैंने ये ले लिए। मैं इन तीनों चीजों में थोड़े थोड़े पत्थर रख रही हूँ जिससे ये बार बार हिलेंगे नहीं। इस तरीके से आप तीनों कंटेनर को रख दीजिएगा। और उसके बाद मैं ये सीमेंट यूज कर रही हूँ। वैसे तो सीमेंट सबके घर में होती है थोड़ी बहुत, तो और अगर नहीं होगी तो परचेज कर लीजिएगा। अब वेस्ट क्लोथ तो होंगे ही, ये वाले मेरे पास पड़े हुए थे तो मैं ये क्लोथ यूज कर रही हूँ। इस तरीके से सीमेंट के अंदर मैं इन कपड़ों को डिप करके इस तरीके से लगाऊंगी। आप कैसी भी शेप दे सकते हैं, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी सी
अब इन सभी कंटेनर को मैं इस तरीके से ढक दूंगी इन सीमेंट के कपड़ों से। अब ढकूंगी कैसे वो आप देख लीजिए। मैं हर कपड़े में थोड़ी थोड़ी लेयर लगाऊंगी जिससे बाद में ड्राई होने के बाद बहुत अच्छा सा लुक आए और इसकी जो लेयर्स हैं वो सारी दिखे। विदाउट स्किप किए पूरा वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे फाउंटेन बना रही हूँ मैं, क्योंकि आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे पास यार ग्लव्स नहीं थे तो मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, आप प्लीज़ ग्लव्स यूज़ करना। मेरे पास थे नहीं अवेलेबल इस टाइम पे, मैंने बिना ग्लव्स के ही किया क्योंकि मुझे ये करना था, लेकिन मेरे हाथों की बैंड बच गई उसके बाद, पूरे हाथ इतने ड्राई हो गए क्योंकि सीमेंट कट कर देते हैं हाथों को, तो प्लीज़ आप तो ग्लव्स यूज़ ही करना। तो ये जितने भी तीन कंटेनर्स थे इन सबको मैंने इन कपड़ों से अच्छे से रैप कर दिया और इस तरीके से रैप किया है कि दिखने में बाद में ये सुंदर लगे। मैं इसमें झरने का लुक देना चाह रही हूँ तो मैं इसी तरीके से शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से ये लगाए हैं मैंने ये सारे कपड़े। अब मैं इसको ड्राई होने के लिए ओवरनाइट रख दूंगी, उसके बाद हम मॉर्निंग में देखेंगे कैसा लगता है। सो गाइस ये मॉर्निंग का लुक है, नेक्स्ट डे जैसा मुझे चाहिए था ये वैसा ही बना है। देख लीजिए आप मैंने जिस तरीके से कपड़े रैप किए थे उसी तरीके से ये ड्राई हो गए। सो मैं अब यहाँ पे वाइट सीमेंट यूज़ कर रही हूँ। मैं वाइट आप चाहे तो वाइट सीमेंट ना भी यूज़ करें, मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं इस पर पेंट करूँ तो अच्छा सा लुक आए, मैं इसलिए वाइट सीमेंट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ये नॉर्मल सीमेंट पे भी पेंट कर सकते हैं। ये पंप मैंने अभी सेट नहीं किया है, सिर्फ रखा हुआ है, आप इसे सेट मत कर देना। मैंने एक बार लगा कर देखा था बस ऐसे ही। तो ये मेरी सीमेंट पूरी अच्छी से सूख गई है, मैं इस पर पेंट कर रही हूँ ब्राउन कलर का क्योंकि मुझे थोड़ा सा नेचुरल सा माउंटेन लुक चाहिए था, तो मैं इस पर ये ब्राउन कलर कर रही हूँ। कहीं मैं डार्क कर रही हूँ, कहीं मैं थोड़ा कहीं कहीं डार्क कलर कर रही हूँ और कहीं कहीं हल्का।
थोड़ा सा नेचुरल लुक आ जाए इसलिए। सो इस तरीके से मैंने पूरी जगह पे ब्राउन पेंट कर दिया। सुंदर लग रहा है ना। अब मैं यहाँ ग्रीन कलर करूँगी। ये ऑयल पेंट यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो अब नेचुरल लुक देने के लिए, थोड़ा सा ग्रीनरी सा लुक देने के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। मैं हर कॉर्नर पर एक ग्रीन कलर कर दूंगी। वो पानी के आसपास थोड़ी बहुत ग्रीन कलर ग्रीनरी रहती है, उसी तरीके से कर दूंगी इस पे पेंट करना चाह रही हूं। थोड़ी सी हरियाली सी लगे इसमें। होता है ना, पानी के आसपास थोड़ी थोड़ा ग्रीनरी लगती है, उसी तरीके से। मुझे ये फाउंटेन बनाने में 3-4 दिन लग गए। मैंने बहुत स्लो बनाया है, बहुत स्लो इंस्टॉलमेंट में बनाया है। थोड़े थोड़े टाइम में इसे मैंने कंप्लीट किया है। आप तो इसे 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। सो देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। अभी तो आप रुकिए, अभी तो आप देखना इसका क्या लुक आने वाला है। अब मैं इसमें ब्लू कलर करूंगी। स्काई ब्लू कलर है ये। पानी रुका हुआ सा लगे और गिरता हुआ सा लगे। झरना झरना बनाऊंगी मैं। तो अब मैं ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स प्लांट यूज़ कर रही हूँ। इन्हें मैं अच्छे से स्टिक कर दूंगी फेविक्विक से। आप चाहें तो नेचुरल फ्लावर्स नेचुरल प्लांट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे ऑलरेडी, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, 10-20 रुपये के आ जाएंगे ये बहुत सारे। तो मैं इस तरीके से इन सारे प्लांट्स को लगा दूंगी। देखिए आप कितना नेचुरल सा लुक आ रहा है ना ड्राई होने के बाद। ग्रीनरी और ये झरना, वाव यार। आप ये प्लांट्स ना भी लगाएं तो भी बहुत सुंदर लगने वाला है। मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ इन फ्लावर से कि बहुत अच्छे से ये उभर कर आए पूरा फाउंटेन। आप किसी भी चीज़ से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं प्लांट से इन्हें डेकोरेट कर रही हूँ।
मुझे पूरी तरीके से नेचुरल ही चाहिए था, इसीलिए मैं ये सारी चीजें यूज करने वाली हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कहाँ लगाऊँ कहाँ लगाऊँ, तो मिल गई मुझे जगह। अब मैं यहाँ कॉर्नर पर ये एम सील लगा रही हूँ जिससे पानी जगह पर ही गिरे, इन मतलब ये सारे कंटेनर्स हैं इन सबसे कनेक्ट होकर इन कंटेनर पर ही पानी गिरे, इसीलिए मैं ये एम सील अच्छे से स्टिक कर दूंगी, अच्छे से लगा दूंगी। मैं ये कलर स्टोन यूज कर रही हूँ, ये मेरे पास नहीं थे, ये मैंने परचेज किए हैं, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये डालने के बाद बहुत कलरफुल सा लुक आ रहा था, तो बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैं हर जगह पर हर कॉर्नर पर ये स्टोन्स डाल दूंगी। अभी हमने पंप सेट नहीं किए हैं, मैं पहले आपको बता दूं, ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। तो अब मैं ये पंप कॉर्नर पर लगा रही हूँ नीचे के साइड से। मैंने ये फाउंटेन यूज़ किया है, ये मेरे पास था ऑलरेडी, आप मत यूज़ करना, मुझे तो थोड़ा सा और ज़्यादा सुंदर लुक लगाना था चाहिए था, इसलिए मैंने ये वाला फाउंटेन यूज़ किया है। ये आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ये पाइप मैंने पीछे से होल करके ऊपर की साइड ले लिया, इस तरीके से मैंने लगा दिया, बहुत इजी वे में लग जाएगा। और ये आर्टिफिशियल प्लांट मैं यूज़ कर रही हूँ इसे डेकोरेट करने के लिए, आप नेचुरल प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, बट ये मेरे पास थे आर्टिफिशियल इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो गाइज हमारा फाउंटेन पूरी तरीके से रेडी है, बस हम इसे स्टार्ट करके देखेंगे ये सक्सेसफुल है कि नहीं। तो वाओ लग रहा है ना, बहुत सुंदर, तो आप क्यों नहीं बना सकते इतना सुंदर फाउंटेन, बिल्कुल बना सकते हैं।
हमारे पास जितने भी वेस्ट सामान हैं घर में, उनसे हम ये फाउंटेन बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है हमारे घर का, हमारे कॉर्नर का, घर के। तो प्लीज़ इसे ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने इसे ट्राई किया कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन्जॉय कीजिए इस फाउंटेन को।